आज दिल्ली भारत के सबसे बड़े जनसंख्या वाले शहरों में से एक है और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी ये मुंबई और कोलकाता के कंपैरिजन में बहुत कम स्लम्स को होस्ट करता है और बहुत कम स्लम्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली के नजदीक ही नोएडा जैसी प्लान ग्रीनफील्ड सिटी को कई सालों पहले दिल्ली के बोझ को संभालने के लिए बना दिया गया था और ये शहर आज नॉर्थ इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से एक है और इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्या इस शहर को इलीगली बनाया गया था और क्या ये शहर लोगों के रहने के लिए नहीं बनाया गया था? इस वीडियो में हम नोएडा के कल से लेकर आज तक की पूरी कहानी समझेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशंस भी ऑन करना नहीं भूलना। सबसे पहले तो आज की नोएडा या न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी करीब 50 साल पहले तक सिर्फ दिल्ली शहर के नजदीक में रहने वाला एक फार्म लैंड या एक खेती का क्षेत्र हुआ करता था। गौर देने वाली बात ये है कि दिल्ली से जुड़े होने के बावजूद ये क्षेत्र असल में यूपी स्टेट का हिस्सा था, सेम जैसे गुड़ग्राम है जो दिल्ली के पास होने के बावजूद हरियाणा का भाग है। तो 50 साल पहले क्षेत्र में सिर्फ किसानों के द्वारा खेती की जाती थी, पर इनके सामने ही दिल्ली जैसा शहर ग्रो हो रहा था और साथ साथ पॉपुलेशन इन्फ्लक्स इस शहर को कंजेस्टेड बना रहा था और ये शहर कंजेस्टेड होता जा रहा था। दिल्ली के बड़े इंडस्ट्रीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि यहाँ पर एक्सपांशन के लिए ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी और एग्जिस्टिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज काफी पॉल्यूशन एमिट कर रही थी। इस सबके बीच तब के बहुत बड़े पॉलिटिशियन संजय गांधी की नजर दिल्ली के पोल्यूशन पर जाती है और वो पोल्यूशन को पैदा करने वाली सारी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को यमुना नदी के अक्रॉस जाने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। दिल्ली के ईस्ट साइड में रिलोकेट करने के लिए ये आदेश दिया जाता है और मैं बता देता हूँ ये सब 1975-76 के इमरजेंसी पीरियड के दौरान हो रहा था। कुछ दिनों बाद आज जिस लैंड पर नोएडा शहर बसा हुआ है उसी लैंड पर पोल्यूट करने वाली इंडस्ट्रीज को रिलोकेट करने के लिए कहा गया था और न्यू इंडस्ट्रियल लैंड के निर्माण करने के लिए इस जगह को चुना गया। लेकिन संजय गांधी यहाँ पर निर्माण कार्यों को अति शीघ्र आरंभ करना चाहते थे, जहाँ पर अगर हम तब के उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD जगदीश खत्तर की बात माने तो डेवलपमेंट के ये सारे जो डिसीजंस किए गए थे नोएडा के लिए वो बहुत जल्दी में लिए गए थे और इस लैंड के सभी किसानों से अब तक लैंड अक्वायर भी नहीं किया गया था जिसके पहले ये डिसीजंस हो रहे थे। अब इस टाइम पर कोई भी काम शुरू करना इलीगल माना जाएगा, लेकिन संजय गांधी ने इस प्रोजेक्ट को अत्यावश्यक रूप में इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर सेट करने का काम शुरू कर दिया, जो वैसे बाय लॉ लीगल नहीं है, लेकिन ये काम ऑब्वियसली इमरजेंसी के दौरान हुआ तो लीगल था। तो यूपी सरकार यहाँ पर समझ गई थी कि उन्होंने इस एरिया को ना किसी डीले या एफिशिएंसी के साथ डेवलप करना ही पड़ेगा। इसलिए अप्रैल 17, 1976 को यूपी सरकार के द्वारा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई जाती है और नोएडा सिटी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिस्टेंस को पाती है, जहां ये अथॉरिटी लखनऊ में बैठ के नोएडा शहर को प्लान करती है। इस अथॉरिटी के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है यहाँ डेवलपमेंट के बहुत सारे डिसीजंस खुद से क्विकली लेने के लिए और रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ के कई किसानों को और जमीन मालिकों को बिना उनके मंजूरी के जबरदस्ती लैंड को अक्वायर किया जाता है। लेकिन इन्हें अक्वायर करने के बाद नोएडा जैसी ग्रीनफील्ड सिटी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो कि एक तरह से दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन का पार्ट बन जाती है। यहाँ दिल्ली में लैंड की शॉर्टेज पड़ रही थी, सभी बड़े इंडस्ट्रीज को प्लांट सिटी में सेटअप होने के लिए जगह चाहिए। HCL जो इंडिया की एक उभरती उस समय पर एक मल्टीनेशनल IT कंपनी थी, वो भी ग्रोथ के लिए जगह ढूंढ रही थी और उन्होंने साल 1976 में ही अपने हेडक्वार्टर को यहाँ एस्टैब्लिश किया। इस प्लांट रीजन की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी और दिल्ली के सारे इंडस्ट्रियल डिमांड्स को पूरा यही एरिया कर रहा था, जिसके कारण 1980s में यूपी के गौतम नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित नोएडा शहर को दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में इंक्लूड कर लिया जाता है, जिसकी वजह से ये NCR का भाग बन जाता है। और आज का अगर NCR की बात करें तो दिल्ली, न्यू दिल्ली, गुड़गांव ये शहर भी NCR का भाग है। 1990s के आते आते इवन नोएडा भी सैचुरेट होने लग गई थी और इसीलिए साल 1991 में नोएडा से 25 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा नाम से एक प्लान्ड सिटी स्थापित की जाती है और अब ये नोएडा के एक्सटेंशन का एक शहर था। लेकिन जरूरी ये था कि इस शहर को बनाया जाना था और भी ज्यादा बेहतर प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। लेटर ऑन ग्रेटर नोएडा भी NCR का पार्ट बन जाता है। नोएडा के इस रैपिड डेवलपमेंट को देखकर सभी खुश है, लेकिन उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD जगदीश खत्तर इस बात से बहुत नाराज थे कि नोएडा, जिसे एक्सक्लूसिवली एक इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर डेवलप किया जाना था, वो अब एक फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्रियल सिटी बन गई है। मतलब यहाँ पर रेसिडेंशियल एरियाज डेवलप हो गए हैं, जबकि शुरुआत में बनाए गए 10 सेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल एरियाज के तौर के लिए ही डेवलप किया जाना था।
था, लेकिन बाद में बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस ने यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर्स को डेवलप करने का डिसीजन लिया, बेसिकली बिल्डर लॉबी। और यहाँ पर हो सकता था कि नोएडा देश का बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर बनता या इंडस्ट्रियल एरिया बनता, लेकिन यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज को भी प्राधान्य देते हुए ये एक मिक्स्ड और एक सिटी काइंड ऑफ प्रॉपर एरिया बन गया है। लेकिन होता यह है कि 1990s में देश के अंदर लिबरलाइजेशन होता है। इस लिबरलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बाद भारत की मार्केट पूरी दुनिया के लिए खुल जाती है। विश्व के सारे बड़े उद्योग भारत में इन्वेस्ट करने की रेस में लग जाते हैं और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टर्स को काफी इंटरेस्ट आता है। देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के कारण सबसे पहले नजर में यही एरिया आते थे। फिर बाद में 20th सेंचुरी के आखिरों में कुछ सालों में ही आईटी बूम आता है, जिसकी वजह से नोएडा भी आने वाले 10 सालों में आईटी और सर्विस हब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। यहाँ कई आईटी और बीपीओ कंपनीज डेवलप हो जाती है, जिसके कारण यहाँ के रियल एस्टेट को भी रैपिडली ग्रो होने में मदद मिलती है और धीरे धीरे नोएडा नॉर्थ इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रियल एस्टेट मार्केट बन जाता है। और यहाँ की स्काईलाइन भी नॉर्थ इंडियन शहरों के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगती है। और धीरे धीरे जब आज के समय की हम बात करें तो ये स्टार्टअप्स का भी गढ़ बन गया है, जहाँ पर पेटीएम और पाइन लैब्स जैसे स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई थी। यहाँ कई रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी बनाए जाते हैं, जहाँ सैमसंग द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जाता है, जो इसे ऑब्वियसली एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जाना चाहिए। और इवन इसी साल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1.2 लाख करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हुई है। आज के डेट में यहाँ पर TCS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सीपीएंड, एक्सेंचर, इन जैसी बड़ी आईटी कंपनीज ने अपनी ऑफिसेज बनाए हैं और ये इनके डेटा सेंटर्स भी यहीं पर ऑपरेट करते हैं, जिसके कारण अब नोएडा को आने वाले समय के लिए देश का डेटा सेंटर हब भी माना जाने लगा है। अडानी ग्रुप ने भी यहाँ पर डेटा सेंटर्स बनाने के लिए 4,600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और रिसेंटली सिंगापुर बेस्ड SLG ग्रुप ने भी यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं डेटा सेंटर्स बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर फ्यूचर की बात करें, जो 34,000 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू रखने वाला जेवर एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और दुनिया के अंदर भी टॉप 5 में। साथ साथ यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर 700 एकड़ का एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क और 350 एकड़ का एक मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पार्क भी बना रही है। साथ साथ नोएडा के सेक्टर 21 में 1,000 एकर्स की एक फिल्म सिटी भी प्लान की गई है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आज अपने एक्वा लाइन मेट्रो की वजह से ये दिल्ली मेट्रो के साथ में कनेक्टेड है और पूरी NCR रीजन के अंदर आप नोएडा से इजिली ट्रैवल कर सकते हो, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट एरियाज बनता है दिल्ली के अंदर। तो ये नोएडा बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, पर जहां नोएडा ने दिल्ली के अंदर मास इलीगल और अनप्लान्ड एक्सटेंशन को होने से रोका, वहां नोएडा के अंदर आज के डेट में इलीगल एक्सटेंशन हो रहे हैं, जिसके ऊपर प्रशासन का ध्यान जाना जरूरी है। राजधानी के पास होने की वजह से ये शहर भविष्य के अंदर जो देश की नीड्स डेवलप होगी उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक जरूरी जगह होगी और इसीलिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है और उम्मीद करती है गवर्नमेंट देगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब हमारे करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।